दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो लेकर मैं आप लोगों की बारगाह में हाजिर हूं। माशाल्लाह अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और अभी सुबह के बजे 7:20 हो रहे हैं। माशाल्लाह आज कुछ मदरसे में स्पेशल होने वाला है। क्या बोला भाई? जी जी, मदरसे में जो है दो बच्चे का हाफिज़ कुरान यानी कुरान शरीफ मुकम्मल होने वाला है, उसी खुशी में इस वीडियो को आज शूट किया जा रहा है। क्या बोलते हैं? जी सही बात। तो माशाल्लाह सर जी से मैं इसमें आज दिखाने वाला हूँ, जैसा कि कुरान शरीफ मुकम्मल होने के बाद जो भी नाश्ते वगैरह का निज़ाम किया जाता है तो सारे निज़ाम हो चुका है। गाइस दो बच्चे का जो कुरान शरीफ मुकम्मल होने वाला है उन दोनों का भी मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह दिखाऊँगा आगे चल के। और नाश्ते वगैरह का जो इंतज़ाम किया गया है वो 10 बजे इंशाल्लाह होगा सब कुछ। और माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग, इधर बच्चे लोग जो है आज साफ सफाई में लग चुके हैं। सुबह सुबह टाइम हो रहा है और ठंडी भी गाइस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और क्लास वगैरह भी सफाई कर दिया गया है। और माशाल्लाह आप लोगों को क्लास दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये गेट है, गेट खोल देते हैं अभी। तो गाइस ये रहा क्लास, इसी क्लास में है दो बच्चे का कुरान शरीफ मुकम्मल होने जा रहा है। देख सकते हैं माशाल्लाह सब कुछ जो फुल वगैरह लगा दिया अच्छे से। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे अच्छे से गद्दा वगैरह बिछा दिया गया है, डेस्क वगैरह कंप्लीट अच्छे से लगा दिया गया है। और बाहर देख सकते हैं ये अन्ना से साफ सफाई में लगे हुए हैं। अपना बरंडा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये देख सकते हैं कितने क्यूट क्यूट बच्चे मदरसे के हैं। वालेकुम सलाम। आज यहाँ देख सकते हैं आग चला के ताप रहे हैं। और ये पूरा अपना मदरसा माशाल्लाह। गाइस मैं आप लोगों को क्लास भी दिखा दिया। और गाइस जैसा कि आप लोग यही पता है कि मैं कुछ दिनों से वीडियो ही बना रहा हूँ, मिनिमम 1 साल तो होने वाले हैं। और गाइस जहाँ तक हो सके आप लोगों से मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करें। और गाइस अक्सर बेहतर वीडियो जो है इस्लामी वीडियो ही आएगी, जैसे मदरसे के मतलब मदरसे बच्चों के लाइफ स्टाइल और लाइफ इन मदरसा यानी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की लाइफ कैसी होती है उसी से मालूम देगा चीज़ें मैं इंशाल्लाह इसमें शेयर करता रहूँगा। तो अभी मैं मिलता हूँ आगे। दरे नबी पर पढ़ा रहूँगा, पढ़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुले। तो गाइस अभी सुबह के 9 बजे हैं और माशाल्लाह ये प्रोग्राम शुरू होने में 1 घंटा मिनिमम बाकी है। और माशाल्लाह देख सकते हैं सब बच्चे रेडी हो चुके हैं और अभी जस्ट मतलब 1 घंटे के बाद महफिल शुरू हो जाएगी। अभी जो नाश्ता वगैरह लाने के लिए गए हैं क्या हज़रत, और ये सब बच्चे देख सकते हैं। और अभी तो बस कुरान शरीफ मुकम्मल हुआ है तो उनके हवाले से ये महफिल मुनक्किद किया गया, इनकाद किया गया है। और दस्तारबंदी जो होगी वो फरवरी में होगी, लास्ट फरवरी को होगी। माशाल्लाह ये कम से कम कितने बच्चे हैं दस्तारबंदी के लिए? 8 मिनिमम 8-9 बच्चे शायद हैं दस्तारबंदी के लिए। कभी तो मेरा सलाम होगा। कुछ हुआ है न कोई आशिक से काम होगा, खुदा भी होगा उधर ही है दिल जिधर वो आली मकाम होगा। तो
तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह दो हाफिज़े कुरान आप लोगों के आंखों के सामने है, आप लोग अपने माथों की निगाहों से उनकी ज़ियारत करते रहें और एक हाफिज़े कुरान की ज़ियारत करना एक सवाब का काम है। और माशाल्लाह भी मैं इनसे पूछूंगा कि माशाल्लाह आपको हाफिज़े कुरान बनने के बाद किस तरह लग रहा है, तो आप मेरे ऑडियंस को कुछ बताएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बल्कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतर खुशी है और खुदा की तरफ से सबसे बेहतर तोहफा है। और मैं चाहूँगा कि हर घर में एक हाफिज़े कुरान होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारी दुनिया के लिए भी, हमारी आखिरत के लिए भी। और हमारे जितने बच्चे यहाँ पे और पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा और वो बच्चे भी मेरे लिए दुआ करें कि हम बेहतरीन हाफिज़े कुरान, ज़िंदगी क्या मौत के बाद भी हमारे सीनों में कुरान महफूज रहे और हमारे सीनों को कुरान की जैसी अजीम दौलत से अल्लाह ताला हमेशा रोशन रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो जैसा कि आप लोग माशाल्लाह देख पा रहे हैं, मैं भी अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इन दोनों भाइयों को सलामत रखे और आप दोनों भाई को बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। आज जो वीडियो है ये पे करते हैं एंड, और आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो एंड और इस्लामिक वीडियोज हमेशा मिलाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफ़िज़।